ओके सो हाय गाइस, बस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड जरूर कर लेना। बाकी गाइस, आप सभी से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि गाइस अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम पे किसी क्रिएटर की कोई भी फ़ोटो पसंद आती है तो गाइस आप मेरे को उस फोटो के नीचे जाके आप कमेंट में मेरे को आप मेंशन कर देना, मैं आप लोगों के लिए उस वीडियो का ट्यूटोरियल ला के दे दूँगा। तो आप लोग कमेंट कर देना या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर देना। बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को जो है इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन गाइस जाना आपको ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद गाइस हमें पहले यहाँ पे मॉडल को थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड कुछ साइज़ जो है मैं इतना रखूँगा। एंड इतना कर देने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली ऐड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऐड फोटो में जाना है, एंड यहाँ से आप सभी को ऐड करना है ड्रैगन का पीएनजी। ठीक है, ड्रैगन का पीएनजी ऐड करने के बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको लगाना है ड्रैगन के पीएनजी को। एंड गाइस आप इस फोटो में जो है कोई भी पोज कर सकते हो किसी भी टाइप का, ठीक है, तो कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको सेम पोज करना है, तो आप ऐसा ही पोज रख सकते हो अपना। देन गाइस आपको क्या करना है, इतना कर देने के बाद आपको जो यहाँ पे कुछ इस टाइप से रख लेना है, एंड उसके बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ फोटो को डन कर देना है। एंड गाइस आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है, एंड गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है एक लाइट का पीएनजी, तो हम इसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपको इसको यहाँ पे जो है आपको इसको थोड़ा रोटेट करके, थोड़ा नहीं मतलब पूरा रोटेट करके, एंड आपको जिस टाइप से यहाँ पे इस तरीके से फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से ऐसे रखना है, एंड ऐसे ब्लेंडिंग मोड में जाके आपको उसको स्क्रीन कर देना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको स्क्रीन रखेंगे, एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। एंड गाइस कि आपको जो मतलब कि मेरे को ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही, तो मैं उसको यहाँ पे कम कर लूँगा। एंड गाइस अगर आपको भी लगे तो आप ओपेसिटी कम कर लेना। देन गाइस आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ से डन कर देना है। फिर आपको गाइस एक ऐड फोटो में जाना है, एंड गाइस यहाँ से आपको एक ग्रास की पीएनजी ऐड करनी है जो कि गाइस ब्लर है। ठीक है, तो इससे क्या है कि फोटो में एक अलग ही लुक आएगा, तो आपको ये वाला ऐड करना है। ठीक है, इस फोटो में तो आपको ये लगा देना है, एंड इसके बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। अब गाइस आपको क्या करना है, आप यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है, एंड इसको लेकर चलना है लाइट रूम में। एंड गाइस लाइट रूम में ले जाने के बाद आपको इस लाइट वाला ऑप्शन में जाना है, एंड गाइस आपको उसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है जो उसको प्लस करना है। फिर यहाँ पे हाईलाइट है, इसको यहाँ पे थोड़ा माइनस करना है, एंड जो शेडो है इसको भी थोड़ा प्लस करना है। ठीक है, शेडो जो है मतलब प्लस नहीं माइनस ही रखना, एंड जो वाइट है इसको भी माइनस रखना, एंड जो ब्लैक है इसको भी माइनस रखना है आपको। फिर इसके बाद आपको जाना है कलर्स में, आपको यहाँ पे जो वाइब्रेशन है इसको इंक्रीज करना है, एंड जो टेम्परेचर है इसको हल्का सा कम करना ताकि फोटो में जो ब्लू टोन आ जाए। देन आपको जाना है कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन ह्यू पहले माइनस करना है, एंड सैचुरेशन भी माइनस करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है येलो कलर में, आपको उसका ह्यू चेंज करना है, एंड जो सैचुरेशन है इसको प्लस करना है। फिर उसके बाद आपको जाना है डार्क ब्लू में, आपको उसका ह्यू चेंज करना है, एंड स्काई को स्काई ब्लू करना है, एंड जो सैचुरेशन है इसको प्लस कर देना है। फिर आपको यहाँ पर डन कर देना है, एंड जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी को इंक्रीज करना है, एंड जो गाइस फोटो विग्नेट है वो डाल देना अपने अकॉर्डिंग। देन गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जाना है आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है आपको उसको इंक्रीज करना है, एंड जो फोटो में नोड रोक्सन है आपको उसको बढ़ाना है, एंड इसके नीचे आपको गाइस मिलेगा कलर नोड रोक्सन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस आप फाइनली देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट रिटच हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।